नीचे नीचे वाले नीचे सबसे बात में लगे तो ऊपर से शुरू करो ऊपर से शुरू करो और इनमें बीच में ये सभी काम होते ही रहेगा कोई काम नहीं होगा। सर आज अवगत करा सर ये मोबाइल बाकी तो शिक्षक दोनों तैयार बढ़िया चल रहे हैं तो बड़ी कुछ देखो देखिए अभी गर्मी किस कितना सितम डा रही है आप लोगों को पता ही है कि कितने हीटवे चल रहे हैं पारा 49-50 तक पहुंच रहा है यानी हर नॉर्मल जगह भी आपको 48 प्लस पारा मिले हैं जो अपना टेम्परेचर वो मिल रहा है। इसमें क्या कि कल शाम को मैं बाहर घूम रहा था खाना खाने के बाद में तो काफ़ी हीटवे चल रही थी तो मुझे लगा यार ये तो काफ़ी गर्मी है और मेरे दिमाग में आया कि हम बाहर घरों में रहते हैं गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं कूलर भी हैं कईयों के पास एसी भी है लेकिन हमारा जो मेडिकल हॉस्पिटल है जो जिला अस्पताल नौलगढ़ में है जो है वहाँ क्या व्यवस्था है। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि वहाँ अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है इसकी मैं कूलर वगैरह की तो हम उसमें क्या काम कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की डॉक्टर संदीप चौधरी से तो उन्होंने कहा सर हाँ हमारे को कूलर की आवश्यकता है तो वो उसी टाइम आते आते फिर मैंने कूलर वाले से बात की मैंने कहा भैया आप सुबह आओ और वहाँ जितने भी डिमांड है कूलर की वो कूलर वहाँ लगाइए। तो अभी आके देखा तो यहाँ हॉस्पिटल में मैंने देखा कि छोटे कूलर लग रहे हैं एक एक डॉर्मेट्री में दो दो कूलर लग रहे हैं लेकिन छोटे लग रहे हैं कई जगह कूलर हैं भी नहीं तो हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर बड़े कूलर लगाएँ और ऐसे कूलर लगाएँ जो ए सी का काम करें। तो आज हमने ये सर डॉक्टर साहब की टीम है जो यहाँ प्रभारी डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर संदीप चौधरी हैं पी एम ओ साहब हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि आज शाम तक इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई रूम ऐसी कोई डॉर्मेटरी नहीं होगी जिसमें कूलर नहीं होगा। कूलर केवल नाम मात्र का ही नहीं लगाना है हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि ये दिन भर एक ठंडे महसूस करें टेम्परेचर डाउन ले जाते हैं किसी भी पेशेंट को या जो साथ में लोग आ रहे हैं या स्टाफ को चाहे आपका डॉक्टर स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है किसी को परेशानी नहीं क्योंकि जनरली अभी जो बीमारी आ रही है डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ज़्यादा लू लगने से या ऐसी ज़्यादा डिजीज वाले पेशेंट आ रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से ठंडी जगह चाहिए। तो ये एक विचार मन में आया और विचार को आत्मवाद की रियान रात को मेरे शाम को 7-8 बजे के लगभग मेरे दिमाग में आया और सुबह आप मेरे 9 बजे के लगभग हम इसको कार्यान्वित कर रहे हैं। तो ये मन के अंदर से एक भावना डेवलप होती है कि हमें सोसाइटी के लिए भगवान ने हमारे को इस लायक बनाया कि हम सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। सर सैंपल की रिपोर्टिंग एरिया में भी आपने टेंट की व्यवस्था किया है स्थाई के लिए एक बार डॉक्टर साहब ने बोला कि सर वहाँ पे छाया नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ चांदनी वगैरह लगवा दें। तो मेरे साथ में शकील था जो लड़का कूलर आज लगा रहा है तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा सर हाँ मैं यह व्यवस्था भी मैं कर देता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 चांदनी लगा दें तो हमें 2 चांदनी की व्यवस्था भी यहाँ करवा दी। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ कैसे लगी आपने भी मरीजों से बातचीत की? सर हॉस्पिटल में बहुत शानदार व्यवस्थाएँ हर मरीज यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश है ये मैंने देखा है कि हर मरीज को मैंने 5-7 मरीज से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ट्रीटमेंट बहुत शानदार है शानदार व्यवस्था है स्टाफ बहुत शानदार है पॉजिटिव स्टाफ है चाहे डॉक्टर्स की टीम हो या नर्सिंग टीम हो। और जैसे बता रहे थे कि सूरजगढ़ के आसपास के चीड़ावा के आसपास के झुंझुनू के उधर के यानी भारत के जो दूसरे तहसील है SDM हेडक्वार्टर हैं उनके भी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी व्यवस्था है नहीं तो यहाँ से इतनी दूर नहीं आ पाएंगे। कल ही सर से मेरी रात को बात हुई थी सर ने खुद आगे चल करके फ़ोन किया था कि हॉस्पिटल में कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है क्या तो मैंने सर को बताया कि सर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है पेशेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं और अभी हीट वेव भी चल रही है तो काफ़ी परेशानी हो रही थी कि कोई वार्डों के अंदर क्या एक और दो दो कूलर थे उसकी वजह से पूरा वार्ड कूलिंग नहीं हो रहा था सिर्फ एक साइड में जिस साइड में कूलर लगा था उसी साइड में पेशेंट बेड के लिए मारा मारी होती हर पेशेंट चाहता मैं कूलर के पास बैठ लूँ तो सर ने उनकी पीड़ा समझी सर को मैंने उनको बताया तो सर ने तुरंत उसके लिए हामी कर दी और अभी सर को हमने राउंड करा के बताया कि कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या परेशानी है कहाँ कहाँ मरीजों को दिक्कत हो रही है तो सर ने अभी तुरंत 5 बड़े कूलर दान करवा दिए हैं जब तक गर्मी रहेगी तब तक वो अपने यही मरीजों के लिए लगे रहेंगे। और उसके अलावा हमने सर को बताया कि सर हमारे क्या है कि बाहर जब पेशेंट रिपोर्ट लेते हैं तो काफ़ी धूप में खड़े रहते हैं काफ़ी धूप चिलचिलाती है पेशेंट पसीने पसीने रहते हैं तो उसके लिए भी सर ने एक छाया की व्यवस्था करने के लिए बोला है सर का इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी सर को धन्यवाद देते हैं। हम भी चाहता हूँ कि और भी इसमें कोई अच्छा कार्य को करें।